और अब बात टीकमगढ़ की, जहां पर एक नदी रोजाना लोगों का इम्तिहान लेती है। यहां सरकारी विकास के दावे मुंह चढ़ाते हैं। आप भी ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसा विकास है और किसका विकास हुआ है। कभी तैरते कभी डूबते, झटपट नदी पार कर जाते, रोज एक डर हमें भिगोता है। सुख नहीं पार कर हर कोई रोता है। जी हाँ, टीकमगढ़ की ये तस्वीरें शायद यही बयां कर रही हैं, जहां सुखनई नदी को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। विकास और सरोकार के दावे कितने झूठे हैं, इसकी वानगी अगर आपको देखनी है तो पलेरा इलाके में चले आइए। इस इलाके में बहने वाली सुखनई नदी इन लोगों का रोजाना यूं ही इम्तहान लेती है। यहाँ वीरपुरा, पहाड़ी बुजुर्ग, बचेरा, बाबई, भंगूतपुरा समेत 25 गाँव का संपर्क बरसात के समय पूरी तरह से टूट जाता है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बेहतर भविष्य का सपना संजोए बच्चे भी स्कूल जाने के लिए बड़ी मुश्किल से इस नदी को पार करते हैं। फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं, नदी का पुल नहीं बंधा है। सबसे बड़ी समस्या है कि इस नदी का पुल नहीं बंधा है। नदी की पुल से समस्या है कि नदी आ जाती है तो हम स्कूल नहीं जा पाते और कम से कम 2 माह नहीं जा पाते हैं। पढ़ाई में परेशानी आ जाती है। परेशानी है इस नदी में। 20 साल के तो हम आए हैं, 20 साल से प्रधान जी हमसे वोट मांगवे घुमाते हैं बार बार। कल हमें वोट दो, हमें वोट दो। वोटन की राय तो जल्दी जल्दी आ जाती है। 20-25 लड़कियाँ जाती हैं। कहाँ जाती पढ़ने आप? चंदेरा। नदी में आती हैं, पढ़ने नहीं जा पाती हैं। आती हैं तो घर माँ बाप डांटते हैं, स्कूल में टीचर डांटते हैं। इलाके के बच्चों को पढ़ाई के लिए 6 किलोमीटर का सफर तय कर चंदेरा जाना पड़ता है और इस सफर में सुखनई नदी उनका रोजाना इम्तहान लेती है। कई बार नदी में बाढ़ की वजह से बच्चे एक एक महीने तक स्कूल नहीं जा पाते। यहाँ कक्षा 8वीं तक स्कूल है, 10वीं 12वीं का है स्कूल नहीं। यहाँ से चंदेरा में स्कूल है तो जिससे बच्चे नदी पार कर नहीं पाते हैं। लगभग 4-5 महीने नदी की वजह से बच्चों का संपर्क टूटा रहता है। यदि नदी का पुल बन जाता तो जो वहाँ की बच्चियाँ रुक जाती हैं प्रवेश के लिए, वो यहाँ उपस्थित हो जाते और प्रवेश दाखिला ले लेते हैं। ये स्वाभाविक है कि नदी बाधक है पढ़ने में, इससे बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे। गांव में अस्पताल नहीं होने के कारण बीमार मरीज को चारपाई पर रखकर अस्पताल ले जाना पड़ता है और इस जद्दोजहद में सुखनई नदी सबसे बड़ी बाधा साबित होती है। नदी में पुल नहीं होने की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मवेशियों को भी नदी पार कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। ज्यादा तबीयत खराब भाई तो हमने यहीं के डॉक्टर हैं तो उनको दिखाया, उनकी दवा वा लेते रहे। नदी पड़ी थी ज्यादा सब सुन निकल नहीं पाया। आज थोड़ी सी नदी कम हुई तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चंदेरा नजदीक है, चंदेरा दिखा देते हैं। तो वहाँ पुल होना एक आवश्यक है जिसके लिए विभाग से लिखा पढ़ी की जाएगी और विभाग मंजूरी देगा तो पुल बनेगा और जनता को सहूलियत होगी। टीकमगढ़ जिले की ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर इस नदी पर अब तक पुल क्यों नहीं बना? क्या इलाके के जनप्रतिनिधियों और हुक्मरानों को इन ग्रामीणों से कोई मतलब नहीं? जाहिर है ये ऐसे सवाल जिनका जवाब सरकार को ढूंढना होगा और शायद तभी MP में विकास के दावे सच साबित होंगे। RB सिंह परमार, जी मीडिया, टीकमगढ़।